हेलो एंड वेलकम फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज के जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है, कैन फैमिली कोर्ट कॉल एनी विटनेस एट एनी स्टेज? क्या फैमिली कोर्ट किसी भी स्टेज पर किसी भी गवाह को कॉल कर सकती है? देखें, उसके लिए हम देखते हैं सेक्शन, सब सेक्शन टू है सेक्शन सेवन का फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 का। वो ये कहता है, पार्टीज मे विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कॉल एनी विटनेसेस एट एनी लेटर स्टेजेस इफ द कोर्ट कंसीडर्ड सच एविडेंस एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ये है सेक्शन सेवन का, सब सेक्शन टू का सेक्शन सेवन है फैमिली कोर्ट एक्ट का, कि लेटर स्टेज पर अगर कोर्ट ये समझती है कि इसकी गवाही बहुत जरूरी है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को एक्सपीडिएट करने के लिए, तो वो लेटर स्टेजेस पर भी विटनेस को कॉल कर सकती है। उसके लिए हम एक रूलिंग दे, पीएलजे 1985 है, कराची पेज 22 है, सैयद जमीन वर्सेस मुसम्मत मुस्तांदे, ये एक केस है जिसमें ये कहा गया है कि विटनेस किसी भी स्टेज पर बुलाया जा सकता है। और ये कहा गया कि विटनेस कॉल करना जो एक बहुत ही एक वसी एक चीज है, अगर किसी गवाह को कोर्ट मुनासिब समझती है तो कोर्ट को ये पावर है कि वो किसी भी विटनेस को कॉल कर सकती है। अगर वो गवाह की लिस्ट में चाहे मौजूद है चाहे गवाह की लिस्ट में मौजूद नहीं भी है, तो कोर्ट को ये पावर्स है, वो उसको कॉल कर सकती है। पीएलडी 2018 सुप्रीम कोर्ट 819 है, जो कि मोहम्मद आसिफ वर्सेस सुमैर बेगम का केस है, जो कि रिपोर्टेड है, पीएलडी 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज है 819 है, जिसमें यह करार दिया गया कि जहां खावंद अपनी बीवी को के मेंटेन करने का पाबंद है और इद्दत तक का खर्चा या फिर बच्चे का खर्चा देने का भी पाबंद है, तो कोर्ट उसके फिनेंशियल स्टेटस को जानने के लिए, उसकी असल आमदनी जानने के लिए जरूरी है कि कोर्ट किसी भी विटनेस को कॉल कर सकती है, चाहे वो लिस्ट पे मौजूद है चाहे लिस्ट पे मौजूद नहीं है। इसके अलावा सेक्शन 17A4 को अगर हम देखते हैं फैमिली कोर्ट एक्ट में, कि फैमिली कोर्ट समन कर सकती है कोई मुतलका डॉक्यूमेंट के लिए, किसी एविडेंस के लिए, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी बॉडी को, किसी अथॉरिटी को समन कर सकती है, और उसके अलावा किसी की स्टेट को जानने के लिए या उसके रिसोर्सेज को, उसकी आमदनी को जानने के लिए कोर्ट समन कर सकती है, कॉल विटनेस कर सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी अथॉरिटी को। इसी तरीके से अगर हम सेक्शन सेवन सब सेक्शन टू है, अगर हम रेड विथ सेक्शन 15 है अंडर सेक्शन 17(4) फैमिली कोर्ट एक्ट को पढ़ते हैं, तो ये उसको अख्तियार देता है कोर्ट को कि वो किसी भी विटनेस को कॉल अगर करना चाहती है तो विटनेस को कॉल कर सकती है। इस तरह एक लाहौर हाई कोर्ट की लेटेस्ट रूलिंग अगर हम देखते हैं 2022 की है, जो कि जस्टिस रसल हुसैन सैयद की है, जो कि मुसम्मात शहला ताहिर वर्सेस अदर है वर्सेस लर्न्ड फैमिली जज है, और ये जो है जो कि 14/10/2022 को ये जजमेंट पास हुई है, जो कि रिपोर्टेड केस है, मुसम्मात शहला ताहिर वर्सेस लर्न्ड जज फैमिली कोर्ट, जो कि रिट पिटिशन नंबर है 17989/2022 की। इस केस में भी यही कहा गया है कि कोर्ट अगर बेहतर समझती है तो लेटर स्टेज पर भी किसी भी विटनेस को कॉल कर सकती है, चाहे वो लिस्ट में है या नहीं है। यह था आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।